ज्ञान जी ने पकड़ा कि पत्र लेखन का जो मतलब है, जो पत्र लेखन हमें सिखाया जाता है, वो किसी मतलब का नहीं है। और आज पत्र लेखन जिस तरह का मतलब का है, जो हमें आना चाहिए, वो है सिफारिशी पत्र। तो सिफारिशी पत्र का एक व्यंग है ज्ञान जी का, जिसमें 5-6 सिफारिशी पत्र हैं। एक छोटा सा सिफारिशी पत्र मैं पढ़ना चाह रहा हूँ। प्री खान साहब, पत्रवाहक रमेश बहुत भरोसे का लड़का है और अपनी रिश्तेदारी में है, कृपया इसे 10वीं का अंग्रेजी तथा साइंस का पर्चा आउट करा दें। रेट ठीक ठाक ही लें, क्योंकि घर का मामला है, किसी और केस में बढ़ा के दिला देंगे। लड़का गोपनीय मामलों को समझता है, अतः चिंता न करें। वैसे पहचानेंगे तो इसी लड़के को आपने 8वीं बोर्ड का गणित का पेपर भी 2 साल पहले आउट कराया था। हो सकता है कि ना पहचान सकें, क्योंकि आप तो 20ों को पर्चे आउट कराते रहते हैं, सो हरेक की शक्ल कहाँ तक याद रखेंगे। फिर इस उम्र के लौंडों की मूछें आदि निकल आती हैं, तो शक्ल भी पहले से एकदम अलग हो जाती है। आप भरोसा करके पैसा ले लें और काम करा दें। ईश्वर आपको गोपनीय शाखा में परमानेंट बनाए रखे, तो लाखों छात्रों का भविष्य बन जाएगा। आपका हितैषी राम अवतार शुक्ला, सेवानिवृत्त हेडमास्टर। ये सिफारिशी। तो ज्ञान जी, मेरा सवाल यही कि व्यंगकार के दिमाग में ये आइडिया कहाँ कहाँ से आते हैं, ये कहाँ से लाते हैं? आइडिया जैसी कोई चीज़ नहीं। पहली बात तो ये जो हम कहते हैं ना कि एक आइडिया आ जाए, जब आप जीवन को देखते हैं। देखिए, शैलेश मटियानी बहुत बड़े हिंदी के कहानीकार हुए हैं, उन्होंने बहुत अच्छी बात की जो मैं व्यंग पर लागू करता हूँ। वो कहते हैं कि देखिए, प्रेम कहानियाँ हैं, प्रेम कहानियाँ, वही प्रेमी वही प्रेमिका और समाज और उसी के बीच में हजारों कहानियाँ प्रेम की लिख दी गई। तो आप किस कोण से चीज़ को देखते हैं? वो कहते हैं एक ही चीज़ को देखने के 360 कोण हैं एक तरफ, और ऐसे आप चारों तरफ देखें तो हजारों कोण हैं। उसमें से आप किसी भी घटना को जो जीवन को पकड़ती है, आप जीवन के अंदर जाइए जरा, और जब वहाँ पहुँचते हैं और वो आपको उद्वेलित करती है, तो वो आपका मुद्दा हो गया या आइडिया हो गया। अब आप उसका फिर व्यंग का एक कोण अलग है, जहाँ आप सिर के बल खड़े होकर देखते हैं, या तो जिसे हम कहते हैं सिनिकल व्यू ऑफ लाइफ, एक पागल की दृष्टि से जैसे देख रहे हो, ऐसा मुझे लगता है व्यंग है। तो व्यंग को बिल्कुल, मैं हमेशा व्यंग में भी वो कोण पकड़ने की कोशिश करता हूँ जो मैंने एक अफसरों पे बहुत लिखा। एक अफसर में मैंने एक लिखा था कि एक अफसर घर आता है और उसकी पत्नी नोट करती है, कह रही तुम्हारी रीढ़ कहाँ गई, तुम्हारी रीढ़ ही नहीं है। तो कहता तुमने आज नोट की, मेरे पास तो जब से मैंने ज्वाइन किया है सर्विसेज तब से नहीं है, बस मैं थोड़ा कुर्सी के बल पे ताना रहता हूँ। अब आप अफसरी को लेके रीढ़ के बहाने बहुत सारी बातें करते हैं। अफसरी पे आप सीधे भी लिख सकते थे, अफसरी का यूँ भी मजाक उड़ा सकते थे। तो ना केवल मुद्दा, बल्कि मुद्दा देखने का वो कौन, आप कहाँ से लाते हो, वही आपको अच्छा और बुरा व्यंगकार बनाता है, अच्छा और बुरा रचनाकार। तो आलोक जी, आपसे अब सवाल मेरा, क्योंकि आइडिया, ज्ञान जी ने तो कह दिया कि आइडिया नामक कोई चीज़ होती नहीं है, लेकिन आप जितना व्यंग लिखते हैं अखबारों में, जितना कॉलम लिखते हैं सोशल मीडिया पर, आप इतना लिखते हैं, तो कोई भी आदमी कहेगा भैया ये इतने आइडिया कहाँ से आते हैं, आप किलो के भाव में आइडियाज़। तो आइडिया नामक चीज़ है या नहीं है? देखिए, एक तो व्यंग जो है वो बेसिकली कुछ नहीं, आपका नज़रिया है। नज़रिया लेके आप चलें तो आपको हर जगह व्यंग दिखाई पड़ता है ना? और मेरे ख्याल में इस वक्त तो व्यंग का ऐसा अद्भुत माहौल है कि पूरी भारत सरकार, अरविंद केजरीवाल जी, इवन शत्रुघ्न सिन्हा भी व्यंगकार के लिए काम कर रहे हैं। मैंने शत्रु जी के लिए 3 दिन पहले लिखा था कि शत्रुघ्न सिन्हा जी को अब राष्ट्रीय सास घोषित कर दिया जाना चाहिए, बोलते दिन भर रहते हैं, सुनता कोई नहीं।